तो हम देख रहे थे कि किस तरीके से क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से सॉलिड को जो है प्योर किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आया था कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस और क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल एवेपरेशन टेक्निक। तो इसमें कैसे समझने की बात है, अगर हम सी वाटर लें तो सी वाटर में नमक है, हम सी वाटर को जो है सिंपली प्लेट में रख सकते हैं, प्लेट में रख के वाटर को इवेपरेट कर देते हैं। तो अगर वाटर को इवेपरेट करते हैं, सारा वाटर इवेपरेट होने के बाद भी तो सॉल्ट बचेगा, बट क्या उसमें से इम्प्योरिटीज जाएंगी? तो इसलिए हमें क्रिस्टलाइजेशन करने की ज़रूरत है कि क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से जो हमारा सॉलिड बचता है वो ज़्यादा प्योर होता है। तो पहले ये कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट शार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। तो अगर हम इवेपरेशन करें, मान लो सिंपली अगर हम सॉलिड जो है लिक्विड में डिजोल्व करके अगर उसे सिंपली वाटर को इवेपरेट कराएं गर्म करके, तो कुछ सारे जो है सॉलिड डिकम्पोज हो सकते हैं। कुछ सारे सॉलिड क्या हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं। जैसे चॉकलेट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि चॉकलेट अगर हम डायरेक्टली गर्म करेंगे तो चॉकलेट को डायरेक्टली गर्म करने पर चॉकलेट जो है वो जल जाती है, बर्न हो जाती है। तो चॉकलेट बर्न हो जाती है, तो इसलिए कुछ सारी चीज़ों को डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं रखती हैं। तो उसे डायरेक्टली ना रखकर गर्म करने के बजाय वाटर बाथ पर पानी, गर्म पानी के ऊपर ही चॉकलेट को गर्म करते हैं, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगी नहीं तो। और सम लाइक शुगर, शुगर है मे गेट शार्ड। अगर चीनी को आप देखोगे डायरेक्ट गर्म करोगे तो जल जाती है, जली हुई सी होती है, तो शार्ड शुगर हो जाती है ऑन हीटिंग ड्यू टू ड्राइनेस। ठीक है, तो अब शुगर बर्न हो जाएगी। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। सम इम्प्योरिटीज मे रिमेन डिजोल्व, कुछ इम्प्योरिटीज फिर भी बच सकती हैं इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद भी कुछ और भी चीजें हैं जो बची रह सकती हैं। ठीक है, सब तो सम इम्प्योरिटीज मे इवन रिमेन डिजोल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑन इवेपरेशन दीज कंटेमिनेट द सॉलिड। तो अगर इवेपरेशन करेंगे तो उसके बाद भी ये इम्प्योरिटीज, हमारा सॉलिड प्योर नहीं होगा, वो कंटेमिनेट यानी इनसे गंदा ही रहेगा, दूषित ही रहेगा, कंटेमिनेट ही रहेगा कुल मिला के। तो आप सब ये सारा जो भी है ये डिफरेंस नोट कर लो कि क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक कैसे बेटर है, और हम इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक में हमने क्या करा कि हमने एक हमारा लिक्विड था, लिक्विड में जो हमने कुछ भी जो मटेरियल था सॉलिड वो डिजॉल्व था, उसके साथ इम्प्योरिटीज, लेट अस से कि सी सॉल्ट है तो हमने सी वाटर ले लिया। अब सी वाटर लेके हमने सबसे पहले तो उसमें से रेत वगैरह जो है वो फिल्टर करी, तो रेत वगैरह फिल्टर हो गई, तो अब मोटे मोटे पार्टिकल्स तो फिल्टर हो गए फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से, बट अभी भी प्रॉब्लम ये है कि उसमें और भी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं जो फिल्टर पेपर से निकला है। अब हमने क्या करा कि हमने उसको फुल्ली पूरी तरीके से इवेपरेट नहीं करा, उसमें से वाटर बस इतना इवेपरेट करा कि वो सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन बन जाए, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। एक बारी जैसे ही वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, फिर हमने उसे पेट्री डिश में या बड़ी बड़ी चाइना डिशेज में रखा, चाइना डिश में रख के हमने उसके ऊपर फिल्टर पेपर रख दिया। फिल्टर पेपर से क्या होता है, वाटर तो इवेपरेट हो सकता है लेकिन उसके ऊपर और कोई इम्प्योरिटी नहीं गिरेगी। तो अब जैसे जैसे स्लोली स्लोली वाटर इवेपरेट होगा, तो पहले से वो सॉल्यूशन सेचुरेटेड है, तो अब सेचुरेटेड सॉल्यूशन में और तो सॉल्ट डिजोल्व हो नहीं सकता था, और आप उसमें से वाटर इवेपरेट कर रहे हो, तो वाटर इवेपरेट हो रहा है तो यानी उसका जो सॉल्ट है वो फॉर्म करने लगा क्रिस्टल, क्योंकि जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है वाटर इवेपरेट होने के बाद, क्योंकि सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। मान लेते हैं कि 1 लीटर वाटर था, उसमें 360 ग्राम ही सॉल्ट डिजोल्व हो सकता था, अब वाटर इवेपरेट होके 900 ml हो गया, तो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट था 36 ग्राम, उसके क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल, उसके क्रिस्टल बन जाएंगे। एक्स्ट्रा जो सॉल्ट बचा है तो वो सॉल्ट के क्रिस्टल की फॉर्म में अलग हो जाएगा, और इन क्रिस्टल में इम्प्योरिटी नहीं होती है। तो इस तरीके से हम क्रिस्टल बना के सॉलिड को लिक्विड से प्योर फॉर्म में ले सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस में देखो, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। तो पहली चीज़ तो एक एप्लीकेशन इसका यूज़ क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, इसका सॉल्ट को हम प्योर कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फिटक्री फ्रॉम इम्प्योर सेल्फ,
सैंपल तो फिटकरी आप लोग देखते हो ना कि कट जाता है, तो जब हम बाल कटवाने जाते हैं तो वो फिटकरी या एलम लगा देता है, उसे फिटकरी बोलते हैं। एलम घर पे आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो फिटकरी को जो है हम इम्प्योर सैंपल से इस तरीके से अलग कर सकते हैं। कुल मिला के जो भी है क्रिस्टल फॉर्म होंगे, और क्रिस्टल इम्प्योरिटी उसमें क्रिस्टल में नहीं होती हैं, तो इस तरीके से हम इम्प्योरिटीज को हटा देते हैं। तो यही प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन की है। दस बाई चूजिंग वन ऑफ द एबव मेथड्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो ये हमने बहुत सारे मेथड्स डिस्कस किए, तो हम क्या करेंगे, जैसा भी हमारा मिक्सचर का नेचर है हम उस हिसाब से मेथड चूज करेंगे। वी गेट अ प्योर सब्सटेंस, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर सब्सटेंस। विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मैनी मोर मेथड्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक हैव बीन डिवाइस्ड। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो और मेथड भी आ रहे हैं, और नए नए मेथड डिवाइस किए जा रहे हैं, मतलब और नए नए मेथड खोजे जा रहे हैं जहाँ पे हम चीज़ों को प्योर कर पाते हैं। इन सिटीज शहरों में ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स। तो जो ड्रिंकिंग वाटर है वो वाटर वर्क से सप्लाई किया जाता है। ए फ्लो डायग्राम ऑफ अ टिपिकल वाटर वर्क्स इज शोन इन 2.13। तो अभी हम ये वाटर वर्क का जो है डायग्राम देखेंगे। फ्रॉम दिस फिगर राइट डाउन द प्रोसेस इन्वॉल्व टू गेट द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू योर होम फ्रॉम द वाटर वर्क एंड डिस्कस इट इन योर क्लास। तो अब हमें इससे क्या करना है, इस फिगर को देख के हमें प्रोसेस नोट करनी है किस चीज़ की, इन्वॉल्व टू गेट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू योर होम। तो आपके घर पे ड्रिंकिंग वाटर कैसे आता है, ठीक है, फ्रॉम द वाटर वर्क, तो वाटर वर्क जहाँ से पानी निकाला जाता है, एंड डिस्कस इट इन योर क्लास। तो अब हमें ये डिस्कस करना है, क्लास तो है नहीं तो हमने ये डिस्कस करना है। तो देखो ये एक डायग्राम दे रखा है, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। तो ये जो है एक रिजर्वायर है जिसे वाटर निकलता है जहाँ से, ये कुआं भी हो सकता है, ये जमीन में बोरिंग भी हो सकती है, तो इससे हमने वाटर निकाली, अब हमारा वाटर आ चुका है, और ये हमारा होम है जहाँ पे हमें टैप से वाटर मिलता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, तो अब ये वाटर निकाल लिया, वाटर निकाल के हमने इस कंटेनर में भर लिया जिसका नाम है रिजर्वायर। ये रिजर्वायर एक कोई भी टैंक हो सकता है बड़ा सा, जो जैसे आपके बड़े बड़े शहरों में टैंक बने होते हैं, तो ये उस तरीके से पानी की टंकी हो सकती है बड़ी सी। अब इससे ये वाटर आया, वाटर आके इसमें पहला प्रोसेस क्या है, टू अलाउ सॉलिड टू सेटल। तो जो भी इसमें मिट्टी वगैरह है इस पहले टैंक में सेटल हो जाएगी, और इसका नाम क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन का मतलब जो भी सॉलिड इसमें ऐसे हैं, जो भी इम्प्योरिटीज ऐसी हैं जो नीचे सेटल हो सकती हैं टाइम के साथ, तो इसमें आया, इसमें थोड़ी देर छोड़ दिया, तो काफ़ी सारी जो भारी इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे रेत एक्सेट्रा, वो इसमें नीचे बैठ गई, और ऊपर से पानी इससे सेकेंड टैंक में चला गया। अब देखो इसमें क्या है, इसका नाम है लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अभी जो पहले जो भारी जो है जो सॉलिड थे वो सेटल हुए, लेकिन इसमें अब क्या है, इसमें कौन सी चीज़ों को सेडिमेंट करना है हमने, सस्पेंडेड। तो सस्पेंडेड सॉल्यूशन याद है ना, जहाँ पे पार्टिकल जो है, पार्टिकल थे लेकिन उनका साइज जो है इतना बड़ा था, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं था कि वो सॉलिड थे, सॉलिड थे, तो कहीं ना कहीं सस्पेंडेड थे, अभी भी वो तैर रहे थे पानी में, तो वो वाली इम्प्योरिटी इस लोडिंग टैंक में सेपरेट हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड, फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक में देखो यहाँ वाटर आ गया, तो पहले सबसे पहले हमने बड़े बड़े सॉलिड यहाँ पे डाउन कर लिए, उसके बाद मीडियम साइज के जो अभी भी सस्पेंडेड थे पार्टिकल, जैसे उस दिन हमने डिस्कस किया था हल्दी के पार्टिकल, यहाँ रेत, रेत पहले वाले पार्ट में ही डिजोल्व नीचे सेडिमेंट हो गई तो वो बहुत भारी होती है, दूसरे में जैसे हल्दी के पार्टिकल जो अभी भी सस्पेंडेड में रहते हैं वो भी डाउन हो जाते हैं। इसके बाद तीसरे चैम्बर फिल्ट्रेशन टैंक में वाटर आ गया है, यहाँ क्या है, फाइन सैंड है हमारे, ग्रेवल है और कोर्स ग्रेवल है, तो यहाँ पे ये जो है इस तरीके से इसमें से होके वाटर गुजरता है, सबसे ऊपर फाइन सैंड है, फिर ग्रेवल्स है, फिर कोर्स ग्रेवल है, तो इसमें से होके थ्रू इस वाले क्लोरिनेशन टैंक में, तो ये इसको बेसिकली इसमें से सारी की सारी गंदगी को छान देती है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे टाइप का फिल्टर है, बहुत अच्छे टाइप से फिल्टर करता है और ये छान देता है। फिर लास्ट में इसको बैक्टीरिया से बचाने के लिए क्या, हम क्लोरीन मिलाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोरीनेशन। इस वाले टैंक में क्लोरीन मिलाई जाती है, वो सारे बैक्टीरिया मारे जाते हैं, उसके बाद ये पानी घरों पे सप्लाई हो जाता है।